हेलो फ्रेंड्स, कैन गैजेट में आपका स्वागत है। और आज हम पैरागॉन के सैंडल्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका रिव्यू करेंगे कि किस तरीके की इसकी कंफर्ट है, क्या ये लिबर्टी के जो सैंडल मैंने अभी पिछली वीडियो में रिव्यू किए थे उनसे ये बेटर है या नहीं है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं और सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स के साइड लिखा हुआ है, ये भी 10 कलर के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेंगलुरु में बनते हैं ये, बाई कस्टमर केयर वगैरह नंबर लिखा हुआ है और पैरागॉन लिखा हुआ है प्रीमियम फुटवेयर फॉर मैन। और यहाँ पर लिखा है एशियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। तो देखते हैं इसको खोल के किस तरीके के सैंडल है ये। तो जिस जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे सैंडल हैं और यहाँ पर पी लिखा हुआ है, पैरागॉन का सिंबल है। और देखिए ये इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है ये, देखिए फ्लेक्सिबल भी है। थोड़ा सा नीचे से इसका देख सकते हैं सोल अलग सा है, शाइनिंग सोल है, यहाँ पैरागॉन लिखा हुआ है। और नीचे तो यहाँ पर देखिए MRP लिखा हुआ है 539। और ये भी स्किट नहीं होंगे, टाइल्स मार्बल के ऊपर देखिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैरागॉन मैक्स, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये भी आप ऐसे यहाँ से ओपन करके एडजस्ट कर सकते हैं इसको अपने फुट के हिसाब से। और जो मैंने पहले लिबर्टी के सैंडल्स की अनबॉक्सिंग की थी उसको मैं आपको दिखाता हूँ और कंपेयर दिखाता हूँ किस तरीके का कंपैरिजन है इस दोनों के बीच में। अगर आपको इसको बाय करना है, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है ऑनलाइन परचेज करने में। आपको कोई साइज़ का इशू रहता है तो आप उसको वहाँ से एक्सचेंज या रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आते आपको क्वालिटी में। तो जैसे देख सकते हैं आप, मैंने ये लिबर्टी के भी ऑर्डर किए थे साथ में, तो इसमें आप दोनों कंपेरिजन देख सकते हैं किस तरीके का है। इसका जो 10 कलर है उसका 10 कलर में फ़र्क है थोड़ा, में दोनों में उसकी जो लुक है बिल्कुल डिफरेंट है। ये जैसे कम एज के यूज़ भी कर सकते हैं, ये थोड़ा एज पर्सन के लिए अच्छा लगेगा, बाकी आपकी दोनों चॉइस होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है किस तरीके आपको अच्छे लगते हैं सैंडल, लुक कौन सी अच्छी लगती है। मेरे को तो दोनों में से अभी मैं दोनों को ट्राई कर इसको मैं ट्राई करता हूँ डाल के कि किस तरह कंफर्ट है, ये बेटर है इससे या नहीं है, फिर बताता हूँ आपको कैसा है। पहले चलो इसको हम डाल के देखते हैं। और इसका जो कंफर्ट के बारे में है इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो देख लीजिए इसकी डिटेल में पूरा। इसको मैंने टेस्ट भी किया है पूरा और अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ डाल के, फिर बताता हूँ आपको कि इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। और प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका 539 MRP है और इसका 599 है, मगर इसको अगर ऑफर में सस्ता मिल सकता है, ये आपको चीप प्राइस में मिल जाता है कई बार, और ये आपको MRP में मोस्टली मिलता है। क्वालिटी की बात की जाए तो जो पैरागॉन के सैंडल हैं ये देखिए, ये थोड़े हार्ड हैं कंपेयर टू द लिबर्टी सैंडल। देखिए ये क्योंकि ये रबड़ है नीचे से, और ये रबड़ नहीं है नीचे से, इसलिए चक्कर में ये बहुत सॉफ्ट है, जैसे आप देख भी सकते हैं। देखिए मैं हल्का सा ऐसे किया तो ये कितनी इजीली मुड़ गया, और ये हार्ड है, इसको थोड़ा ज़ोर से, इसका मटेरियल भी हार्ड है थोड़ा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं अभी मैंने पैरागॉन के सैंडल्स डाले हैं, तो आप इसकी लुक देख सकते हैं किस तरह की आती है ये देखिए। और ये थोड़ी अलग सी लुक है, इसमें आपका जो अंगूठा होता है थोड़ा भागता दिखता है और क्लोज नहीं है पूरा आगे से, तो और इसका सोल भी थोड़ा हार्ड है, इसकी आवाज़ भी आती है इसके सोल में। और जो मैंने लिबर्टी का दिखाया था आपको वीडियो में, वो अगर आप लिबर्टी वाली वीडियो नहीं देखी है सेंडर की, वो आपको आई बटन में दिख जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं आप। ये देखिए सोल थोड़ा हार्ड है, उसका रबड़ था नीचे तो इसलिए थोड़ा स्पंची रहता था नीचे से, मगर अगर आपको ये लुक अच्छी लगती है सैंडल्स के अंदर तो ये भी अच्छे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है मटेरियल का, बस थोड़ा सोल थोड़ा हार्ड होता है हल्का सा इसका, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी लुक का आपकी पसंद है लुक में, कि आपको ये लुक अच्छी लगती है तो आप ये वाले चॉइस अच्छी है, दोनों के अंदर मटेरियल का कोई इशू नहीं है। ये इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसका लिबर्टी से अच्छा था, ये देखिए सॉफ्ट है पूरा, मगर इसमें देखिए रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए इसमें रिंकल पड़ना लग गया, पहले पड़ गया एक में,
आप देख सकते हैं ऐसे, और आप पता है इसको आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। बाकी आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे इसकी लाइफ चल रही है, कि आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और परचेज करने का लिंक तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।